यूपी में जो हार हुई है, यूपी में जो हार हुई है उसमें दुनिया भर की बातें हो रही। कोई बता रहा जाति बट गई, कोई फला एक ये हो गया, मुसलमान एक हो गए। अरे मुसलमान तो 2019 में भी एक हो गए थे, कहीं को कंफ्यूजन नहीं था। उन्होंने खुलकर सपा बसपा का गठबंधन था, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं था, उन्होंने लग के ही वोट दिया था। और ये कल मैंने स्पष्ट किया था कि दलितों का वोट ऐसा कोई नहीं होगा कि जैसा बता रहे सारा दलित उधर भाग गया। 3% घटा है बसपा का वोट, उसमें उसके प्रत्याशियों का कारण था। तो वो सब ये इन खैरातियों की जो फेक नैरेटिव क्रिएट करने वाले, इनका गड़ा हुआ जाल बट्टा है। दो ही आदमी जिम्मेदार, पहले प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे मुख्यमंत्री योगी। और पहले मैं प्रधानमंत्री से बात शुरू करूंगा और उसमें आरएसएस को मनी जी शामिल करूंगा। ये सबसे पहले मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में सबसे पहले मैंने ही कहा था कि आरएसएस ने इस चुनाव में खुलकर असहयोग किया और विरोध नहीं किया, लेकिन बिल्कुल एकदम हाथ खींच लिया कि हमसे कोई मतलब नहीं है, अपने दम पर चुनाव लड़ लो। और उसका आरएसएस के बारे में हम लोगों ने पूरा समझिए आधा कार्यक्रम किया था, या 30-35 मिनट उस पर बात की थी। तो उसको दोहराने का कोई लाभ नहीं है। और अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आरएसएस से एक शिकायत हमेशा रहेगी मनीष जी, कि आरएसएस ने ये जो असहयोग किया ये समय नहीं था और दंड देने का ये तरीका नहीं था। ये तो आप एक तरह से ये वाली बात है, सीधे सीधे राहुल गांधी को सौंप दिया था, लेकिन आरएसएस की नाराजगी जायज थी मनीष। दर्शकों तो मनीष जी अब जरा वो फोटो दिखा दीजिए, उसके बाद फिर बात शुरू करता हूँ। और उसका जिम्मेदार किसी और को कहा ही नहीं जा सकता, उसका जिम्मेदार किसी और को कहा ही नहीं जा सकता। जरा वो फोटो दिखा दीजिए जो मैंने ऊपर लिखा, उसके बाद बताता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूं। जी दर्शक इस फोटो को देख ले, बड़ी पॉपुलर फोटो है, पिछले 10 साल से इंटरनेट पे जो आदमी इसके कई बार हम लोगों ने दिखाया, और एक मेरे किताब में भी ये तस्वीर है, और इस प्रेम की इसकी चर्चा मैंने मेरी पुस्तक में भी है। ये आप मैंने कहा जो लाल घेरा ये की को बात कर रहे हैं इसमें, कि लाल घेरे में कौन है? हाँ मैं बता दूं मैंने क्या लिखा है कि इस लाल घेरे वाले आदमी को पहचानिए। ये जौनपुर लोकसभा सीट से टिकट ले आया था भाजपा का। इसको टिकट देकर भाजपा ने आरएसएस के मुंह पर थप्पड़ मारा था। अब क्यों, जरा सुनिए आगे इसकी हिस्ट्री कि महाराष्ट्र ये महाराष्ट्र की कांग्रेसी सरकार का गृह राज्य मंत्री की हैसियत से मुंबई में एक किताब रिलीज कर रहा है। ये जो फोटो है ये मुंबई में महाराष्ट्र की कांग्रेसी सरकार का गृह राज्य मंत्री था और ये किताब रिलीज कर रहा था। इस किताब का नाम मनीष जी दर्शक, हालांकि हालात मेरे ख्याल से हर दर्शक पहचानता होगा कि 26/11 आरएसएस की साजिश। ये जो मुंबई पे हमला हुआ था जिसमें 162 लोग मार दिए गए थे, जिसमें अजमल कसाब को फांसी हुई बाद में, उस हमले के साल भर बाद, ये भी नहीं कि कोई तत्काल, साल भर बाद ये बंबई में बाकायदे 5-स्टार होटल में प्रोग्राम करके दिग्विजय सिंह और महेश भट्ट के साथ खड़े होकर ये किताब विमोचन कर रहा था। और वो किताब कौन सी थी जिसको लॉन्च कर रहा था, उसको रिलीज कर रहा था। किताब का शीर्षक था और विषय भी उसका यही था कि मुंबई हमला 26/11 आरएसएस की साजिश। तो ये बता रहा था कि ये जो मुंबई पे हमला हुआ ये पाकिस्तानियों ने नहीं किया, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने नहीं किया, ये आरएसएस ने किया है। यानी ये 26 मुंबई हमले के लिए मुंबई हमला करने वाले आतंकवादियों को आरएसएस का बता रहा था और आरएसएस को आतंकवादी संगठन गिरोह का सदस्य बना रहा था। और ये वो तस्वीर है जिसने 2014 और 2019 या उसके जब से भाजपा के हर चुनाव में बहुत ब्रह्मास्त्र की तरह इसने काम किया है। इसको हर भाजपा समर्थक ने, हर जो हिंदू है उसने इसको गरियाया है। और इस आदमी को मनीष जी टिकट देके ये, और ये कुछ ये क्या कह रहा था इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब ये तो जो इसके कर्म थे वो ये कर रहा था, जैसा ये था वैसा कर रहा था। इस आदमी को, जो आदमी आरएसएस को बकायदे किताब रिलीज करके कह रहा हो कि आतंकवादी संगठन है जिसने, और कह रहा मुंबई हमला आरएसएस ने किया, इस आदमी को मनीष जी टिकट किसने दिया था? क्योंकि ये क्यों भाजपा के लोकसभा का टिकट आज अचानक नहीं मिल जाता किसी की गलत पर, क्योंकि ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है ना मनीष जी। और इस आदमी का ये केवल इतनी ही बैकग्राउंड नहीं है, तो इसको इसको जब आपने टिकट दिया भाजपा का तो आपने इसकी इस बात पे मोहर लगाई कि आरएसएस आतंकवादी संगठन है और मुंबई हमले का साजिश रचने का जिम्मेदार आरएसएस है। तो किसने दिया था टिकट इसको? प्रधानमंत्री मोदी ने टिकट दिया था, गृह मंत्री अमित शाह ने टिकट दिया था, या जेपी नड्डा ने टिकट दिया था? ये पार्टी का मामला नहीं है मनीष जी, ये पूरा देश जानना चाहता है। सबसे पहले तो आरएसएस जरूर जानना चाहता होगा कि आखिर इस आदमी को टिकट किसने दिया था, कौन जिम्मेदार। क्योंकि मैं एक कंफर्म बता दूं कि
इस आदमी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टिकट नहीं दिया था, यह मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के कोटे का टिकट नहीं है, यह दिल्ली से बंबई से दिल्ली आगे सीधा जौनपुर में टपका था, किसने इसको टिकट दिया था? तो ये इस गलती के लिए क्या गुरोह को कर दे कि राम कुमार को कर दे कि राम प्रसाद को कर दिया जाए दोषी? और ये पता नहीं प्रधानमंत्री मोदी के चाटकारों ने, चमचों ने, दलालों ने बताया कि नहीं बताया ये फोटो? जरा अब मनीष जी असली बात पे आता हूं, जो लोगों को बड़ा लग रहा है ना कि बनारस में वोट कैसे कम हो गए, ये फोटो बनारस पे जम के वायरल हुआ, ये फोटो बनारस में जमकर वायरल हुआ और खूब संदेश के साथ वायरल हुआ। तो अब हो सकता है दलालों ने ना बताया हो, चमचों चाटकारों ने ना बताया हो, लेकिन ये फोटो पूर्वांचल में घूम रहा था, लोगों के मोबाइल पे, लोगों के सोशल मीडिया पे चल रहा था और ये पूछा जा रहा था ये क्या है। तो मैं जो दर्शक जो अपने देख रहे हो, हम लोग दो एपिसोड आरएसएस के ऊपर कर चुके, लेकिन जरा इसका जवाब दे कि क्या ये आरएसएस नाराज नहीं होता इस फोटो के बाद और इस आदमी को टिकट देने के बाद? ऐसा कौन सा संगठन है जो कहते कि हाँ हाँ हमको आतंकवादी का, हम तुमको टिकट देके लड़ाएंगे? तो एक तो ये मनीष जी फोटो, और जरा इसके बगल में जो दूसरी खबर है वो तो उसकी चर्चा खूब हुई, और अभी इस फोटो में इस फोटो पे दिया है तो जरा मैं भी थोड़े से क्लियर कर दूं जो व्यूअर्स समझ जाएंगे। इसी फ्रेम के बाद हिंदू आतंकवाद जो है वो फॉर्मूला गढ़ा गया था दिग्विजय सिंह और उस समय के गृह मंत्री शिंदे ने हिंदू आतंकवाद की बात की थी। इस फोटो में जो ये झुलफी वाला दिख रहा है, ये जब मैं सहारा अखबार में था तो सहारा उर्दू का संपादक हुआ करता था अजीत बरनी, ये दिग्विजय सिंह है। दिग्विजय सिंह ने अजीत बरनी को सुपारी दी थी और सर एक हफ्ता के अंदर एक किताब लिख दिया। सर किताब आपने भी लिखी है, हमने भी लिखी है, किताब लिखने में चार कितने साल लग जाते हैं और कैसी कैसी गत होती है। इस चिरकुट ने, झुलफी वाले ने एक हफ्ते में सर ये किताब लिखी थी। इसके बगल में महेश भट्ट, सुपारी ये थी कि इस किताब की स्क्रिप्ट के बाद ये फिल्म बनाएगा। और इसके ये जो है कृपाशंकर सिंह, ये इसके इस जो आप कह रहे हैं इसकी गंभीरता सिर्फ लाल घेरे में नहीं है, ये किसके साथ खड़ा है और किस किताब के साथ खड़ा है। इसमें पुस्तक विमोचन में साफ लिखा हुआ है बुक रिलीज आरएसएस की साजिश 26/11, और दिग्विजय सिंह इसका मुख्य संचालन करता था और पूरा यहीं से दुनिया भर में हिंदुओं को बदनाम करने का खेल शुरू हुआ। निश्चित रूप से आप बहुत महत्वपूर्ण बात उठा रहे हैं, यदि इस आदमी को टिकट दिया गया तो जिम्मेदारी तो मोदी जी को लेनी होगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने इसका टिकट पास किया मनीष जी, भाजपा का हर बड़ा नेता रहता। और दूसरा मनीष जी, ये दर्शक ये भी जान लेगी खाली इसने किताब जारी करने का प्लान नहीं बनाया था इसका, जरा ये कोई ऐसा नहीं कि किसी मंदिर के सामने फूल बतासा अगरबत्ती बेच के जीवन यापन करता था इसका। ये मधु कौड़ा जो 3,500 करोड़ के लूट झारखंड में बरसों जेल में रहा है, ये उसके उसके साथ शामिल था। इसकी 350 करोड़ की संपत्ति मोदी सरकार ने ही जब्त कराई और ये भी कुछ बड़े लंबे समय तक जेल काट के आया है इसी मोदी सरकार के कारनामों में, कार्रवाई के समय अपने कारनामों के कारण। और इस आदमी को टिकट दे दिया तो गृह मंत्री अमित शाह के पास इसकी रिपोर्ट नहीं थी क्या? ये तो गृह मंत्रालय और ये और सबसे खास बात मनीष जी, ये आदमी पिछले 30-40 साल का इसका इतिहास है। इसको बंबई में इसको दाऊद से जोड़ के देखा जाता था, जब दाऊद फरार हो गया तो ये कहा जाता था कि दाऊद के साथ भी दाऊद के बाद भी, मतलब बहुत पावरफुल व्यक्ति। मैंने कहा 350 करोड़ की साथ संपत्ति जब्त की है इसकी एजेंसियों ने, कई साल लंबे समय तक ये जेल में रहा है और उसके बाद ये कुकर मिसका कि ये इसने किया। तो इस आदमी को लिख रहे हैं कि मधु कोरा का समधी है लीजिए, और ये रिश्ता मुझे नहीं मालूम था, ये रिश्ता मुझे नहीं मालूम था, लेकिन ये मधु कौड़ा के साथ घोटाले में लूट में शामिल था कि 350 करोड़ की संपत्ति जब की ये सरकारी एजेंसियों ने, वो भी मोदी सरकार आने के बाद। तो ऐसी किसकी सिफारिश थी इसकी? आरएसएस की तो नहीं रही होगी, इसको तो नहीं कह सकते कि आरएसएस ने की, योगी बाबा का कंफर्म हो कि योगी बाबा के कोटे से इसको नहीं दिया गया था। तो ये इस तरह के आदमी को टिकट देके तो आरएसएस को आग तो लगाने का काम किसने किया था? बड़ी बातें होती हैं तो जरा इसकी सफाई देनी चाहिए, ये पता चलना चाहिए देश को कि आखिर इस तरह के व्यक्ति को क्यों टिकट दिया गया था भाजपा के। और उसके बाद आप उम्मीद करते हो कि आंख बंद करके टिकट आपको वो समर्थन कर दिया जाएगा कोई संगठन या कोई व्यक्ति। तो दरअसल ये जान लगी ये कितना महान नेता है कि जौनपुर की जनता ने इसके मुंह पर काली पोत के इसको हार की वापस कर दिया, ये हार की काली इसके मुंह पोती और ये बैरंग वापस हुआ है जो जौनपुर से फिर वापस अब ये बंबई में ही अपना कारोबार करेगा। हाँ एक काम हो सकता है मनीष जी,
कि प्रधानमंत्री मोदी इसको राज्यसभा भेज के अपने मंत्रिमंडल में ले सकते हैं। अभी इसके पास एक संभावना है कि इसको राज्यसभा भेजा जा सकता है, अगर क्योंकि ये इतना पावरफुल, ये आरएसएस को खुलेआम इस तरह गाली दे रहा था, किताब किताब जारी कर रहा था, उसके बाद ये लोकसभा का टिकट ले आया, तो जरूर हो सकता है इसको राज्यसभा भेजा जाए। जाहिर सी बात है कि कैसे आया होगा, कैसे पाया होगा टिकट, ये आप अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। मुझे मुंह से कहना शोभा नहीं देगा वो, तो ये टिकट कैसे आया है, कौन इसका सर मुझे जो जिम्मेदार है। जानकारी है उसमें कि इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन इसी ने किया, भोजन पानी की व्यवस्था से लेकर सब कुछ, किताब का खर्चा भी इसी ने दिया, छपने का जो जो छपाई उपाई का खर्चा होता है सब कुछ इसी की देन थी। ये मुझे उस समय जो मैंने पुस्तक लिखी उसमें भी इसकी चर्चा है, और मैं भूल रहा था तो मुझे एकाएक याद आया, ये पूरा संचालन, वरना इसको फोटो खिंचाने की जरूरत नहीं थी, इसमें इतने कलाकार हैं, उसमें इसके होने की कोई बहुत महत्ता थी नहीं, इसलिए कि पूरा जो फंडिंग जो था, क्योंकि दिग्विजय सिंह को तो जानते हैं चौवन्नी नहीं खर्च कर सकता है अपने पॉकेट से, कुछ नहीं वो किसी दलाल से दिलवा सकता है, चौवन्नी नहीं खर्च कर सकता अपना। उसने खैरातियों के लिए एक टेलीविजन चैनल अपने बीबी को संपादक बना के करवा दिया, चार बिजनेसमैन को, खुद राजा है अपने पॉकेट से नहीं खर्च कर सकता। तो सोचिए ये पूरा आयोजन की जिम्मेदारी जिस दैत्य के पास थी, निश्चित रूप से उसको आप टिकट देते हैं। हाँ मनीष जी, अब ये पन्ना, इसका पन्ना ये कहते बंद कर रहा हूँ कि कृपा शंकर सिंह अगर इस तक ये पहुंचे कि कृपा शंकर सिंह तुमको नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने दिल्ली बंबई में रहकर जो टिकट जिसके जरिए खरीदा था लोकसभा का, उसी को लो, वो तो बिक रहा ही है, उसी के जरिए अब तुम राज्यसभा की सीट खरीद के दिखाओ, खरीद सकते हो, तुम्हें क्षमता है क्योंकि तुम लोकसभा का टिकट लेके आए हो, तो तुम ज्यादा निराश मत हो, तुम्हारे लिए अभी मौका है, रकम तुम्हारे पास खूब है, तो अब तुम जरा राज्यसभा की सीट खरीदो, तुमको अग्रिम शुभकामना तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जाओ तुमको अग्रिम सलाम दिए दे रहा हूं, जाओ।